Hey guys, assalamualaikum. This is Madhusudan all the way from Indonesia. आज मैं आप लोगों को जरा इंडोनेशिया में स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंडोनेशिया में जो सबसे मशहूर स्कॉलरशिप है वो हमारे पास एक तो केनबी है. यूजुअली लोगों को केनबी के बारे में मालूम होता है, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इंडोनेशिया में केनबी के अलावा भी और भी इतने स्कॉलरशिप से अगर कोई बच्चा केनबी से रह जाता है तो आप इनको ग्रैब कर सकते हो इन स्कॉलरशिप्स को और आप यहाँ पहुँच सकते हो. ऑल्दो ऑब्वियसली केनबी एक गवर्नमेंट लेवल स्कॉलरशिप है, तो वहाँ फैसिलिटीज और वहाँ के स्टाइपेंड समहाउ बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू इन यूनिवर्सिटीज की जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स होते हैं. अच्छा, ऑब्वियसली जब जहाँ पे जितने ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगे, जो ज़्यादा मशहूर होगा, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा. लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसे भी स्कॉलरशिप्स इंडोनेशिया में जो आप इनको अवेल कर सकते हो, ये लेस कम्पिटिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो हमारे पास केनबी होता है. अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको प्लस पॉइंट और टेक्निकल चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की जो ट्रेंड है स्पेशली इस कंट्री में, ये इतना ज़्यादा नहीं है. लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट चाइना, यूरोप एंड दूसरे कंट्रीज में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाने का ट्रेंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशिया आने का. इसी वजह से पिछले साल कई बच्चे सेलेक्ट हो गए थे केनबी में, तो कई बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट बच्चे केनबी स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने के बावजूद, इवन केनबी में ये होता है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर यहाँ पर आपकी ईच एंड एवरी थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केनबी. अपार्ट फ्रॉम दिस वो आपको एयर टिकट भी दे देते हैं, यहाँ तक फैसिलिटीज़ है. तो कई बच्चों ने एयर टिकट भी बुक करवा के वो लोग यहाँ पे नए हैं, जिसकी वजह से केनबी की लॉस हो गई. वो बच्चे ना तो उन्होंने इन्फॉर्म कर लिया कि भाई हम दूसरे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं, आप इसको दूसरे बच्चों को इधर जो वेटिंग लिस्ट में, उन्होंने ये नहीं किया. जिसकी वजह से इस दफ़ा केनबी ने इतना स्ट्रिक्ट कर लिया कि पहले रिकमेंडेशन लेटर एम्बेसी की तरफ से मेल पर दी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया और इसके अलावा ये इतनी स्ट्रिक्टनेस कर लिया, ठीक हो गया. तो ये तो हमारा मतलब प्रॉब्लम है हमारी पाकिस्तानियों की, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस कर लिया. लेकिन आप जब इन स्कॉलरशिप्स के अलावा भी आप देखते हो, तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, ठीक हो गया. अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि केनबी की जो आपकी स्टाइपेंड होती है वो ऑलमोस्ट 80-90,000 पाकिस्तानी रुपीज़ होती, लेकिन ये जो आपको दूसरे स्कॉलरशिप मिलेंगे वहाँ पर आपको मे बी 30,000 से लेकर 40,000 आपको स्टाइपेंड मिल सकती है, इतना हो सकता है. लेकिन ये 30,000-40,000 इतना है कि यू कैन सर्वाइव हियर. बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उन 30,000-40,000 के साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अकोमोडेशन भी दी जाती है, ठीक हो गया ना, और आपको जो वीज़ा प्रोसेस वगैरह भी दी जाती है. उसके अलावा ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको टिकट भी दे देते हैं, ठीक हो गया ना. तो मतलब ये है कि इनकी अल्टीमेट कोशिश यही होता है कि बच्चों को यहाँ पे लेकर जाए, इनको क्या कहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के पार्ट बना जाए. अच्छा, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पर्सनली विजिट की है. यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, क्योंकि एक तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, इंडोनेशिया आने का जो ट्रेंड है वो अभी बढ़ रहा है. ज़्यादातर बच्चों की माइंडसेट स्कॉलरशिप के हवाले से टूवर्ड्स इंडोनेशिया ओरिएंट हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आने का जो ट्रेंड है वो सम हाउ ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे हमारे पास दूसरे कंट्रीज़ की तरह. यहाँ पे भी बढ़ रहा है ये जो ट्रेंड है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कंपटीशन है वो भी बढ़ेगा, ठीक हो गया ना. लोगों के यहाँ आने का जो ट्रेंड है, जिस तरह अभी दूसरे चाइना और हमारे पास दूसरे कंट्रीज़ के लिए जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, ठीक हो गया ना. तो कहने का मतलब आपके लिए ये है कि इस कंपटीशन बढ़ने से पहले आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाना है और आप उनके इंटरनेशनल ऑफिस को मेल करें, ठीक. अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि आप सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सर्च करें, ठीक हो गया ना. गूगल पे जब सर्च करेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे. हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ऑफिस होता है, इंटरनेशनल ऑफिस में मेल होती है. मेल में आप मेंशन करेंगे भाई मेरा नाम ये है, तो मेरा बैचलर्स या इस सब्जेक्ट में है, अब मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ मास्टर्स आपके यूनिवर्सिटी में. तो आपके यूनिवर्सिटी में कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई आपके स्कॉलरशिप है, तो फिर वो आपको बता देते हैं कि ये वो आपको प्रॉपर तरीके से वो आपको डायरेक्ट करते हैं. तो आप ये ज़रूर करिएगा. मैं आपको यही, मैं पर्सनली 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने विजिट की है, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत कम है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ठीक हो गया. तो आप विजिट करें, ये इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है. मैंने इनकी लैब्स तक मैंने विजिट की है, इनकी जो बहुत नॉर्मल जो कम रैंक की यूनिवर्सिटी होती है ना, वो बहुत बेहतरीन है, ठीक हो गया. तो इस कंपटीशन को बढ़ने से पहले आप इस स्कॉलरशिप को जल्दी अवेल करें, वरना विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक हो, बहुत ही ज़्यादा होगा. तो यस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहे. हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और इसके अलावा
या मजीद हम आपको इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आपको हम मजीद डायरेक्शन देते रहेंगे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएंगे। थैंक यू।